मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। 38 कानूनों को निष्क्रिय कर दिया जा रहा है, जिसमें मजदूरों के सारे जो अधिकार थे वो खत्म कर दिए जा रहे हैं। कोई भी मजदूरों की कानून ऐसा नहीं बनाया जा रहा है जो मजदूर अपना अधिकार मांग सके। सारे कानून पूंजीपतियों के हित में जा रहे हैं, नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। मजदूर के पक्ष में कोई भी कानून नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ एक कानून है पेमेंट ऑफ वेजेज। उसमें क्या है, ये मजदूरी करेगा तो पाएगा, इसमें ये तय नहीं कि कितना पाएगा कितना नहीं। मिनिमम वेज भी खत्म कर दिया गया, सारी व्यवस्था खत्म है, जो भी सोशल सिक्योरिटी थी वो भी खत्म है, ईपीएफ भी खत्म है। मिनिमम वेज जो मजदूरी तय करती थी महंगाई के आधार पर तय किया जाता था, वो भी खत्म कर दिया जा रहा है। इसलिए श्रम कानून का जो बदलाव योगी सरकार ने किया है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे रेल बेचना, बीमा बेचना, मनरेगा में जो काम कर रहे हैं उनको 200 दिन काम देना 500 रुपये रेट से, और जो कोविड-19 में जो हमारे साथी हैं, जैसे पुलिस है, सुरक्षाकर्मी है, सफाई वाले हैं, अस्पताल वाले हैं, उन्हें तो जो सुविधाएं दी जानी चाहिए थी वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। सारी चीज़ निजीकरण कर रहे हैं। सारा अमूल्य संपत्ति जो धरोहर भारतीय है वो पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है, इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। 23 सितंबर विरोध दिवस है, जो मजदूर कानूनों में और जो श्रमिकों के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। इसलिए आज आप लोग यहाँ चौधरी सीटू जिला सीटू संयोजक, हम लोगों का जो राष्ट्रीय श्रम संगठनों का आह्वान है कि आज हम विरोध दिवस मनाएंगे। श्रम कानूनों में जो बदलाव किया जा रहा है सरकार के द्वारा, सेंट्रल और यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, उसका हम लोग विरोध पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हमारे हितों की रक्षा कैसे होगी, इस लड़ाई के माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। कौन कौन आया आपके साथ में आज? हमारे सभी साथी एमआर के साथी हैं और हमारे असंगठित क्षेत्र के आदमी हैं, विजय विद्रोही जी हैं, अरविंद राठौर जी हैं, राम नरेश वर्मा जी हैं, प्रताप जी हैं, ये सब साथी सभी संगठनों के साथी हैं। हाँ। इसलिए आज आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? मेरा नाम तेज कुमार सिंह है, मैं रायबरेली यमार एसोसिएशन का अध्यक्ष। आज इस बात को माननीय जिलाधिकारी महोदय के इस परिसर में इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध करने के लिए हम लोग सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारे एसोसिएशन के सेक्रेटरी भाई वीएन गुप्ता जी, वाइस प्रेसिडेंट हमारे जेबी सिंह जी, अजीत यादव जी, और साथ में हमारे ईसी मेंबर आलोक जी हैं। इस और हमारे तमाम ऐसे मजदूर श्रम संगठन हैं जिसके पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, कि ये जो केंद्र सरकार हम मजदूरों के विरोध में जो नीतियाँ ला रही है, इसका हम लोग पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। और ये सरकार को ज्ञापन के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि श्रम कानून के तहत जो हम मजदूरों का शोषण हो रहा है, हनन हो रहा है, हमारे अधिकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको छीना जा रहा है, वो ऐसा कतई न करें, जिससे हम लोगों का जो नौकरी है वो सुरक्षित रहे। और तीसरी चीज़ ये है कि जो आज का परिवेश और पूरे देश में एक मजदूर लोगों में जो एक भय व्याप्त हो गया है, मजदूर संगठन आज इस बात को पूरी तरह से सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहती है कि ऐसा ना करें, ताकि कम से कम हम लोगों का जीविका सुरक्षित रहे। और जो श्रम कानून बनाए जा रहे हैं मजदूर के विरोध में, उसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। किस लिए आज आप लोग यहाँ पर आए हैं? विश्वनाथ गुप्ता, सेक्रेटरी यूपी विसारे रायबरेली मिड से, जो कि हमारी संस्था FMRI से जुड़ी है, फेडरेशन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हमारे कमेटी मेंबर सभी साथी कॉम्पेट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मेंबर हैं, और अन्य संगठन के साथी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकार की वर्तमान में श्रम विरोधी व जन विरोधी नीतियाँ, जिससे आम पब्लिक से लेकर हर वर्ग इस समय अपने आप को शोषित महसूस कर रहा है। हमारी आज ये 23 तारीख को विरोध दिवस मना रहे हैं, जिसमें हमारी कई सूत्रीय मांगे हैं सरकार से, कि जैसे वर्तमान में इन्होंने कृषक से संबंधित कई बदलाव किए हैं,
हमारा मानना है कि इसमें विपक्ष को बुला के इसमें सामने बात करके उचित संशोधन किया जाए, एक तरफा इसमें कार्रवाई ना की जाए। दूसरी चीज़ सेल्स प्रमोशन एम्प्लाई को लेकर, जिस हिसाब से कंपनियां हम लोगों को तनख्वाह नहीं दे रही हैं, काम के लिए और दबाव डाल रही हैं, सेल्स के लिए प्रेशराइज कर रही हैं, कई सारी कटौतियाँ कर रही हैं, उनको भी लेकर हमारा सरकार से प्रति विरोध है कि सरकार ऐसी पारदर्शक नीतियाँ बनाए जिससे कि समाज के सभी वर्ग अपने आप को खुली हवा में सांस लेने के लिए महसूस कर सकें। हमारे अन्य भी साथी हैं, अन्य क्षेत्रों से आए हुए हैं, क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं हर क्षेत्र हर वर्ग को वंचित कर रही हैं उनके अधिकारों से। हमारी सरकार से यही गुजारिश है और इसीलिए हमारे लोग अपना विरोध दिवस मना रहे हैं कि सरकार अपना स्टैंड जो है कई विरोधी चीज़ों पर उस पर तुरंत हटाए, बात करे विपक्षियों से, एक तरफा निर्णय ना ले और समाज के सभी वर्गों को खुली हाथ लोकतांत्रिक तरीके से जीने का मौका दिया।